वर्तमान में ई पाठशाला के अंतर्गत बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग करवाई जा रही है। इसी के अंतर्गत जनपद फर्रुखाबाद में एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, जो जनपद ही नहीं अपितु प्रदेश के बेहतरीन चित्रकारों में से एक है। उनका नाम है अर्पण शाक्य। तो अर्पण शाक्य के माध्यम से हम जनपद और जनपद के बाहर जहाँ पर भी बच्चे हैं वो बहुत ही सरलता से चित्र बनाना सीख सकते हैं, ताकि वो अपने आसपास के परिवेश को, अपने शिक्षण सामग्री को या अपने मन में आने वाले विचारों को चित्रित करके आजीवन उनको सहेज सकें। इसी के अंतर्गत हम लगभग 5-6 घंटे की कक्षा प्रारंभ करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि 5-6 घंटे की कक्षा के अंतर्गत ही एक व्यक्ति 0 से लेकर 100% तक परफेक्शनिस्ट अर्थात एक प्रोफेशनल चित्रकार बन सके। इसमें हम प्रारंभ में बेसिक करवाएंगे चित्रकारी के और उसके बाद एडवांस चित्रकारी की चीज़ें चलेंगी, जैसे एनाटॉमी बनाना, मैपिंग करना, इसके बाद में फेस बनाना, किसी का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाना या अन्य कोई भी कठिन चित्र बनाना। तो आइए चलते हैं अर्पण शाक्य के साथ। नमस्कार दोस्तों, पाठशाला डॉक्टर उषा राजन पैसरिया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको चित्रकला में प्रयुक्त होने वाले टूल्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जिसके द्वारा आप आसानी से अच्छी तरह चित्र बना सकते हैं। ये टूल्स हैं, सर्वप्रथम मुझको एक पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। आप ये पेंसिल कोई भी यूज कर सकते हैं, HP की हो सकती है, HB की भी हो सकती है, 2B की भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपको एक इरेजर की जरूरत पड़ेगी। इरेजर आप छोटी बड़ी जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा आपको एक शॉर्पनर की जरूरत पड़ेगी, शॉर्पनर भी आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सबसे पहले एक कापी की आवश्यकता पड़ेगी। कापी आपको कोई सी भी बड़ी छोटी, बाजार में ज़्यादातर बच्चों के लिए ड्राइंग बुक इस तरह की आती हैं, आप कोई सी भी ड्राइंग बुक यूज कर सकते हैं। ये 20x27 सेंटीमीटर की कापी है, आप यूज कर सकते हैं इसको भी। इसके अलावा गोल आकृति बनाने के लिए एक प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी और चित्र को डार्क करने के लिए, डार्कनेस देने के लिए एक स्केच की आवश्यकता पड़ेगी। आप स्केच में भी दो तरह के स्केच, छोटे और बड़े यूज कर सकते हैं। और इसकी आकृति रंगने के लिए आपको पेंसिल कलर की आवश्यकता पड़ेगी। पेंसिल कलर आप कोई भी, जैसे मेरे पास ड्रोम्स कंपनी का है, अच्छी कंपनी है, आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप कलर पेंसिल, कोई भी कलर पेंसिल है आप यूज कर सकते हैं। और जब आप वाटर कलर रखना चाहेंगे तो उसके लिए आप जो हैं ये ट्यूब कलर आते हैं केमिल के, आप इसका यूज कर सकते हैं, इससे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फैब्रिक कलर होते हैं, इनको प्लास्टिक कलर कहते हैं, और इनका जो प्रयोग होता है सीमित समय में किया जाता है, थोड़ा सा निकाल के, और ये प्लास्टिक हो जाता है कलर, इसलिए इसका जो है थोड़ी देर के लिए प्रयोग करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।